हाय एवरीवन, वेलकम टू द शो। आज मैं आपको आलू का हलवा बनाना बताऊंगी इन माइक्रोवेव, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कुकिंग है जिसके अंदर हम गैस पे आलू का हलवा बनाते हैं। उसके अंदर हमें घी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जो हेल्दी भी नहीं रहता है, उसको बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है क्योंकि उसको बहुत रेगुलरली चलाना पड़ता है। पर जब हम माइक्रोवेव में बनाते हैं तो ये इजी टू मेक होता है एंड वेरी क्विकली इट गेट प्रिपेयर्ड। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ अब हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए आलू 650 ग्राम या 1.5 कप। अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये 5 मीडियम साइज के आलू है। इसके अलावा हमें चाहिए चीनी 200 ग्राम या 1 कप, दूध 1/2 कप या 100 ग्राम, देसी घी 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इसे बिना घी के भी बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो खुशबू के लिए इलायची डाल सकते हैं, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं तो इसके लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब जैसे पर्सनली मेरी फैमिली इसके अंदर ड्राई फ्रूट लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं हलवों के अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा माइक्रोवेव सेफ बाउल लेंगे, उसके अंदर आलू डालेंगे, सारे आलू। आलू के साथ हम घी को मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है, अब ये रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। इसको हम माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। माइक्रोवेव को सेट करेंगे हाई पावर पे 4 मिनट्स के लिए। हमारी विसल हो चुकी है, अब हम एक बार इसको बाहर निकालेंगे, स्पून से इसको मैश करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं घी इसके अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो गया है। अब इसके अंदर इसको करके, अब ये हमारे पोटैटोस रोस्ट हो रहे हैं तो इसको हम अंदर रखकर मीडियम हाई पे, दैट इज 720 डिग्री के ऊपर 2 मिनट के लिए और माइक्रोवेव को सेट करेंगे। हमारी विसल हो गई है, अब हम इसको मिश्रण को बाहर निकालेंगे, थोड़ा स्पून से चलाएंगे। अब इसके अंदर हम अपना मिल्क एंड शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा लिक्विड सा है बट ये धीरे धीरे अपने आप अब्सॉर्ब करेगा। इसको वापस माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव को हाई पावर पर 10 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। 10 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। एक बार हम बीच में इसको निकाल कर हिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल लिक्विड है बट ये धीरे धीरे अपने आप वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। अब इसको वापस हिला के रखेंगे हम एंड वापस स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जब भी हम ट्रेडिशनल स्टाइल में या माइक्रोवेव में आलू का हलवा बनाते हैं तो उसके लिए हमें मैश पोटैटोज चाहिए होते हैं। ग्रेटेड पोटैटोज कभी यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो ग्रेटेड पोटैटोज होते हैं उनका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है एंड हलवे के लिए हमें एक अनइवन टेक्सचर चाहिए होता है जो मैश पोटैटोज देते हैं, तो ऑलवेज यूज मैश पोटैटोज। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट या इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो उसको हम इस समय में डालेंगे जब हमने एक बार बीच में हिलाने के लिए निकाला है। हमारी विसल हो गई है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए ये हमारा हो चुका है बिल्कुल रेड इन कलर। अगर आपका थोड़ा सा लिक्विड होता है तो इसको हम 5 मिनट के स्टैंडिंग टाइम पे रखेंगे और तभी सेट हो जाता है। अगर आपका ज्यादा लिक्विड है, इन एनी केस अगर आपका थोड़ा दूध ज्यादा हो गया है या अगर आप तेज चीनी पीते हैं और वो ज्यादा लिक्विड है, तो उसके लिए आप 2 मिनट का टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसको स्टैंडिंग टाइम में रखा है, माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। ये 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पर, 5 मिनट हमारे हो गए हैं, आलू का हलवा हमारा रेडी है। अब हम इसे प्लेट करेंगे, इसको अपनी सर्विंग डिश के अंदर निकालेंगे।
हॉट या कोल्ड किसी भी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं एंड इसको सर्व कीजिए, खा के देखिए, बहुत ही स्वाद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।